खेत पर किशोरी को अकेला पाकर चार युवकों ने की छेड़छाड़ व मारपीट, पुलिस नहीं कर रही सुनवाई, पीड़िता ने दी आत्महत्या की धमकी। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र के कोडर गांव में चार युवकों द्वारा नाबालिग लड़की से अश्लील छेड़छाड़ और पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का मामला सामने आया है। मंगलवार को कार्यवाही की मांग को लेकर चौथी बार SP ऑफिस पहुंची पीड़िता ने पुलिस से FIR दर्ज करने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि पुलिस अगर इस मामले में कार्यवाही नहीं करती है तो पीड़िता मजबूर होकर आत्महत्या करने को विवश होगी। आज आप SP ऑफिस आई हो, किस लिए आई हो? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम अमल थाने गए थे, अमल चौकी, तो उनने उनको बुला लिया, हमको बुला लिया और बोले हम रिपोर्ट करने गए तो कह रहे कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो बोल रहे हमें उन्हें बिठा रहे हमें भगा दिया। कौन सा मामला है ये? छेड़छाड़ का मामला। तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की थी? किसने? वो तम नेत्राम और देवेंद्र और माखन जी चाल। कितनी बार SP ऑफिस में आवेदन दे चुकी हो? 3 बार, चौथी बार है। कोई कार्रवाई हुई? कोई नहीं हुई। अब आगे क्या करोगी? अब आगे क्या करना है, ग्वालियर चले जाएंगे? नहीं, कोई नहीं सुनवाई करेगा। कहाँ? IG ऑफिस। फिर क्या करेंगे अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो? वहाँ नहीं सुनवाई होगी तो हम जेल का के मर जाएंगे। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही? नहीं। अमोला चौकी पे थाना प्रभारी कौन है? पता नहीं, नाम का पता नहीं। अच्छा, और जो जो तुम्हें छेड़छाड़ की थी उनका पूरा नाम क्या है? उनका नाम है गौतम ठाकुर और नेत्राम बघेल और देवेंद्र बघेल और माखन बघेल, ये चार लोग। अच्छा, कितने दिन पुराना मामला है? जो ही हो गए दो महीने। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। FIR दर्ज नहीं करी? नहीं करी, दी नहीं है पहले ही FIR। तुम्हें भगा देती है पुलिस? भगा देते हैं। FIR नहीं दे रहे। आई नो FIR नहीं दे रहे।